उधर यूपी में स्वाइन फ्लू का धीरे धीरे अपने पैर पसारना जारी है। स्वाइन फ्लू की वजह से हो रही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सिर्फ लखनऊ में स्वाइन फ्लू से 2 मौतें हो चुकी हैं, वहीं बरेली में भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक महिला की मौत हो गई। लखनऊ में अब तक स्वाइन फ्लू के 19 मामले सामने आ चुके हैं और हापुड़ में 3 लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। वहीं लखनऊ पीजीआई में तैनात एक कर्मचारी के बेटे और पत्नी को भी स्वाइन फ्लू है और अब तक कर्मचारी की जांच नहीं कराई गई है। इससे पहले पीजीआई में काम कर रहे एक कर्मचारी को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब तक इस कर्मचारी को छुट्टी पर नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से यहां इलाज के लिए आने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है और उससे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। नाक का लगातार बहना, छींक आना, नाक जाम होना, ये तमाम लक्षण हैं स्वाइन फ्लू के। मांसपेशियों में दर्द या अकड़न महसूस होना, इससे भी आप स्वाइन फ्लू के लक्षण का अंदाजा लगा सकते हैं। सिर में भी लगातार दर्द रहता है अगर स्वाइन फ्लू है किसी को। कफ और कोल्ड के साथ लगातार खांसी भी आती है, ये भी एक लक्षण है H1N1 वायरस का। बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है अगर स्वाइन फ्लू है तो। बुखार होना, दवा खाने के बाद भी बुखार का लगातार बढ़ते चले जाना, ये भी एक संकेत देता है। वहीं गले में खराश होना और उसका लगातार बढ़ते चले जाना, ये भी एक संकेत है H1N1 वायरस का। अब बचाव का अगर हम जिक्र करें तो साफ सफाई का आपको ध्यान रखना होगा। जब भी खांसी या छींक आए तो रूमाल या टिश्यू पेपर का जरूर इस्तेमाल करें। वहीं इस्तेमाल किए गए मास्क या टिश्यू पेपर को ढक्कन वाले डस्टबिन में ही फेंके ताकि कोई और संक्रमित ना हो। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। साथ ही लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने, गले लगने से भी बचें ताकि कोई और दूसरा इससे प्रभावित ना हो। फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। सभी फ्लू के लक्षण दिखने पर घर पर रहें, ऑफिस, बाजार और स्कूल ना जाएं। बिना धोले हाथों से आंख, नाक या मुंह छूने से परहेज करें। तो ये तमाम वो उपाय जिनसे आप H1N1 वायरस से बच सकते हैं।